नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो कर रहा हूँ। एक्चुअली डेली रूटीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बाहर कहीं घूमना, तो आज वैसे तो एक बहुत छोटी ट्रिप है, मैं केवल एक दिन के लिए जयपुर आया हूँ। और जयपुर आने के बाद मैंने सुबह सुबह बस छोड़ी है। बस छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले एक ऐसी साइट पर आया हूँ जो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग साइट थी, और साइट नहीं थी वो, एक ऐसी जगह जहाँ मैं खुद आना चाह रहा था। मंदिर है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार अपने वीडियो में ही जिक्र किया है। हमने शुरू में ही एक वीडियो बनाया था जो था वृंदावन का एक मंदिर था गोविंद देव जी का, और जिसको हम लोगों ने बताया था कि जैसा हमने उसके बारे में सुना था कि ये मंदिर भूतों ने बनाया है, तो हम उसी का एक तरीके से पार्ट टू आज करने जा रहे हैं और लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस समय मैं गोविंद देव जी के मंदिर में हूँ, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर की ही परसीमा है, बाउंड्री है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक सी बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब और अकबर के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था, और जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो उनमें से वृंदावन के बहुत सारे मंदिर थे। कहा जाता है कि जो मंदिर, जैसे भूतों का मंदिर के नाम से लोगों के बीच में फेमस है, वो बेसिकली गोविंद देव जी का मंदिर है, मथुरा में स्थित है। रंग जी के मंदिर के सामने ही है वो मंदिर। अभी फ़िलहाल उसमें से ऊपर के जो तीन फ्लोर हैं वो टूटे हुए हैं, अब चार फ्लोर ही बाकी रह गए हैं। तो उस मंदिर में उस समय जो मूर्ति लगी हुई थी गोविंद देव जी की, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की, उस मूर्ति को जब मंदिर को खंडित किया गया था, उस समय वहाँ से जो पुजारी थे, जो वहाँ के महंत वगैरह थे, उन लोगों ने उस मूर्ति को वहाँ से महाराजा जयसिंह के पास भेजा। और महाराजा जयसिंह जयपुर के राजा थे, और उन्होंने अपने राजमहल सिटी पैलेस के पास में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर में वो मूर्ति स्थापित करी। और ये मूर्ति जो है वो आज यहाँ स्थापित है। यहाँ जो वास्तव में जो मूर्ति स्थापित है वो कहा जाता है कि वो वृंदावन से ही लाई गई है। तो अगर आप वृंदावन में गोविंद देव जी के दर्शन करने गए हैं और आप वहाँ पर इस बारे में जान पाते हैं या समझ पाते हैं कि यहाँ वहाँ की जो मूर्ति है वो राजस्थान के जयपुर लाई गई थी, तो आप यहाँ आइए, यहाँ देखिए। सुबह का समय है, इस समय लगभग 8 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर 7 बजे के आसपास आ गया था, 7:30 बजे यहाँ सुबह आरती शुरू हुई है। लगभग आधा घंटे की आरती और भजन संध्या भजन के बाद में अभी फ़िलहाल मैं फ्री हुआ हूँ। अभी मैं आपको मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और आपको जो यहाँ की आरती है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को अंत तक। राजस्थानी शैली में बना हुआ यह मंदिर बहुत विशाल है, और मंदिर की जो संरचना है वो बहुत ही नॉर्मल सी की गई है। एक बड़ा सा बरामदा है जो आप देख रहे होंगे, बरामदे के आगे मंदिर का मुख्य भवन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यानी गोविंद देव भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्य विग्रह हैं जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं, जो मूर्तियाँ हैं जो आसन पर विराजमान हैं, ये मूर्तियाँ ही वृंदावन से यहाँ लाई गई थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में चोटी नहीं है। जनरली जो हिंदू मंदिर होते हैं उन सब में चोटियाँ बनाई जाती हैं, चोटी होती है ऊपर एक नुकीली सी, लेकिन इस मंदिर में ऐसी कोई चोटी नहीं है, पूरा ऊपर से फ्लैट है। और हवा आने के लिए ऊपर छत में कुछ थोड़ा सा इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाई गई हैं कि जहाँ से रोशनी और हवा दोनों आसानी से आ सकें। मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, आप यहाँ आते हैं तो आसानी से आके दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति विद्यमान है गोविंद देव जी की, वो लगभग 5000 साल पुरानी है, और इस मूर्ति को वृंदावन से यहाँ पर बैलगाड़ी द्वारा लाया गया था, बुलक कार्ट, जो बैल वाली जो गाड़ी होती है, क्योंकि उस समय कार वगैरह तो नहीं चलती थी, और बैलगाड़ी द्वारा यहाँ लाया गया था और यहाँ स्थापित किया गया। अगर आप मंदिर आएंगे तो मंदिर में आपको सामने 4 मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जिनमें से जो सबसे बड़ी मूर्ति है, जो मुख्य मूर्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की है, गोविंद देव भगवान की। उसके अलावा जो दूसरी बराबर मूर्ति है वो है श्री राधा रानी की,
और इसके अलावा दो मूर्तियाँ और हैं जो भगवान श्री कृष्ण की ही दो गोपियाँ थीं, उनकी मूर्तियाँ हैं। राजा जयसिंह ने इस मंदिर को इस तरीके से बनवाया था कि जब भी वो सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद वो सीधे मंदिर आकर भगवान श्री कृष्ण के यानी गोविंद देव जी के दर्शन आसानी से कर पाएँ। इसीलिए ये मंदिर सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में ही है और ये मंदिर एक बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना था, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि जयपुर का वो हिस्सा जो पुराना बसा हुआ है, जो पहले राजा महाराजाओं द्वारा बसाया गया था, उस हिस्से को आज भी पिंक कलर में रंगा गया है और इसी वजह से जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। जो नया जयपुर है, जो नया बसा हुआ है, वो इस जयपुर से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पिंक कलर का जो इफ़ेक्ट है वो कम देखा जाता है और अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आना बहुत आसान है। पिंक सिटी में यानी जयपुर की जो पिंक सिटी वाला जो पुराना जयपुर है उसके एक हिस्से में सिटी पैलेस है जो अप्रोचेबल है, आसानी से आप बाई कार बाई बस आ सकते हैं यहाँ पर। अगर आप बाइक से हैं या कार से हैं तो आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, ऑटो वगैरह भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। सिटी पैलेस के पास में आपको गोविंद देव महाराज जी के दर्शन मिलेंगे, आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल रिक्शा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने का कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप आसानी से जब चाहें तब आ सकते हैं।
Yeah.